हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं पीयूष सिंह आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लाया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो बताऊंगा अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में वर्चुअल बॉक्स में काली लिनक्स कैसे चला सकते हैं या कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहें, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए। तो सिंपली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली आपको कोई से भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो मैं गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। ब्राउजर ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार पर टाइप कर देना है वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड। तो यहाँ पर इस टाइम आपको सेम यही टाइप करके सर्च कर देना है। जैसे ही यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको पहली वेबसाइट का लिंक मिलेगा, तो आपको इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट का कैसा इंटरफेस है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे विंडो होस्टिंग आपको ऑप्शन दिखेगा, तो आपको क्लिक कर लेना है। अब आपसे लोकेशन पूछेगा तो आपको सेव कर लेना है। कहाँ पे आपको सेव करना है, मैंने डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कर रखा है। अब आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो उसकी एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्चुअल बॉक्स 6.1.30 है, 36। तो आपको यहाँ पे देखते हैं ऑल सपोर्ट्स लिख के आ रहा है प्लेटफॉर्म, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर से एक एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाएगी, और यहाँ पे आपको लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं डाउनलोड ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे मेरा जो सॉफ्टवेयर है डाउनलोड फ्रेंड्स, होना आपको स्टार्ट हो यहाँ पे गया। न्यू विंडो ओपन कर लेनी है। न्यू विंडो में आपको काली लिनक्स की जो आईएसओ इमेज है वो डाउनलोड कर लेनी है। तो आपको सिंपली सर्च करना है काली लिनक्स डाउनलोड, और आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काली लिनक्स की ऑफिशियली वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा काली लिनक्स 2022.2। तो ये अभी लेटेस्ट वर्जन है, आपका 2022.3 भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे इसने 64 बिट, 32 बिट और मैक एप्पल M1। तो आपको अपने हिसाब से देख लेना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है या 64 बिट का है। इसे देखने के बाद आप यहाँ पे इसने मैकबुक के लिए भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जिसने बहुत सारे वर्जन देखने को मिल जाएंगे आपको, वीकली, एवरीथिंक, नेट इंस्टॉलर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले में आपको देखने को मिल जाएगा नेट इंस्टॉलर करके, तो आपको उसी को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 पॉइंट कुछ समथिंग का है, 2.7 GB का है। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे इससे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इससे मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली डेस्कटॉप पे ले चलता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप में ये काली लिनक्स की आईएसओ इमेज है। जैसे यहाँ पे आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो हमने वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड किया था आपको उसे डबल टैप कर देना, ओपन कर लेना। अब आपको यहाँ पर परमिशन पूछा तो आपको परमिशन अलाउ कर देनी है। अब यहाँ पर आपका ऐसा पॉपअप ओपन हो जाएगा। सिंपली पॉपअप ओपन होने के बाद यहाँ पे देखते हैं, अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, जो भी सेटिंग है आपको वैसे ही रहने देनी है डिफॉल्ट पे। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर मैं इंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपका जो वर्चुअल बॉक्स है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको एक वर्चुअल बॉक्स का जो है सेट है यहाँ पर आपको डेस्कटॉप पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे स्टार्ट फिनिश पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो वर्चुअल बॉक्स का जो स्टार्टअप है, जो सॉफ्टवेयर है, वो रन करना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जिससे पॉपअप ओपन हो गया। अब आपको क्या करना है, पहले एक्सटेंशन जो आपने डाउनलोड किया उसे लगाना पड़ेगा। तो उसे लगाने के लिए यहाँ पर जिससे एक्सटेंशन जो आपने डाउनलोड किया उसे यहाँ पर आपको सिंपली परफॉर्मेंस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसते हैं आपको एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको फाइल का एक आइकन दिखेगा, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है, और आपने जहाँ पे भी सेटअप रख रखा है एक्सटेंशन का तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे इसते हैं अब आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और आई एग्री पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। और आपको यहाँ पर फिर से एक ऑप्शन आएगा ओके, ओके पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपका जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। अब आपको कोई सा भी एरर देखने को नहीं तो मिलेगा। अब आपको न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो मैं आपको दिखा रहे दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको दोबारा न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको नेम की जगह यहाँ पे आपको नेम टाइप कर देना है। तो यहाँ पर आप काली लिनक्स में टाइप कर देता हूँ। काली लिनक्स टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप्स में यहाँ पर आपको लिनक्स सेलेक्ट कर लेना है, और आपको वर्जन में यहाँ पर अगर आपका सिस्टम 32 बिट का है तो यहाँ पर आपको डेब्यूट 32 सेलेक्ट कर लेना, अगर 64 बिट का है तो 64 सेलेक्ट कर लेना। तो मेरा 64 है तो मैंने 64 सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जिससे आपको मेमोरी साइज पूछेगा, मतलब रैम पूछेगा। तो आप इसते हैं मेरे में 8 GB रैम है। तो यहाँ पे आप देखते हैं अब अपने हिसाब से आप काली नेक्स को कितना स्टोरेज देना चाहते हैं यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम मैं यहाँ पे आधा कर देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क पे क्लिक करके नाउ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जिससे पहला वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना, और आपको फिर से नेक्स्ट कर देना, जो भी डिफॉल्ट सेटिंग है नेक्स्ट कर देना। और आपको यहाँ पे देखते हैं अब यहाँ पर आपको जो स्टोरेज है वो प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर आपको स्टोरेज अपने हिसाब से दे देना। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको यहाँ पे 20 GB से प्लस स्टोरेज देना होता है,
मतलब 25 से, तो यहाँ पे मैंने 30 GB कर दी और यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आपका ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, अपनी जो आईएसओ इमेज आपने जो डाउनलोड किया है उससे आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है फ्रेंड्स। अब आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब आपको एडवांस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको शेयर के पोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डिसेबल की जगह यहाँ पे बाय डायरेक्शनल सेलेक्ट कर लेना और इसमें भी सेम आपको यही सेलेक्ट कर देना है। और आप यहाँ पे जिससे अब आपको डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है और डिस्क पे क्लिक करना है। अब आपको सिंपली सिस्टम पे आ जाना है। सिस्टम पे आने के बाद यहाँ पे इससे अब आपको प्रोसेसर पे आना है। प्रोसेसर पे आने के बाद यहाँ पे देखते हैं प्रोसेसर पे, जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर प्रोसेसर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको सीपीयू देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं एक है, तो यहाँ पर आपको कुछ मैक्सिमम यहाँ पर आपको हाफ से कम या हाफ मैक्सिमम रख देना है। तो यहाँ पर इस अभी यहाँ पर एक है, अब यहाँ पर मैं इसे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर इस मैंने यहाँ पर 4 मैक्सिमम कर दिया। यहाँ पर आपको अपने हिसाब से कर लेना है। अब यहाँ पर इस अब यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर आना है। ये आपकी वीडियो अब नॉर्मली सेटिंग है। जैसे आपको वीडियो मेमोरी में वीडियो क्वालिटी ख़राब लग रही है तो यहाँ पर आप मैक्सिमम कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको स्टोरेज पे आना है। तो फ्रेंड्स अब आपको एम्प्टी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सीडी आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चॉइस ऑफ डिस्क फाइल पे क्लिक करना है। और आपके जहाँ पे भी काली लिनक्स की फाइल है आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरी डेस्कटॉप पे मैंने डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कर ली। तो फ्रेंड्स अब आपको ओके पे क्लिक कर देना। ये सेटिंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आप देखते हैं अब यहाँ पे आपको जो काली लिनक्स की फाइल है वो भी आपकी अपलोड हो गई वर्चुअल बॉक्स में। अब आपको क्या करना है, अब आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस करना है। तो सिंपली यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आपको स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स अब आपको स्टार्ट वाले आइकन पर क्लिक कर देना। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कुछ ही सेकंड, और यहाँ पर आपका एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसमें काली लिनक्स आपका वर्चुअल बॉक्स में स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉलेशन पे। तो यहाँ पे देखते हैं ये पॉपअप ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप देखते हैं ऐसे आपको इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पे देखते हैं ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको ग्राफिकल इंस्टॉल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखते हैं क्लिक करने से पहले यहाँ पर आप एक ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पर आपको कैप्चर पर क्लिक कर देना है। तो गलती से कैप्चर पे क्लिक कर दिया। कैप्चर से आपको क्लिक करने से पहले यहाँ पर आपको बॉक्स पे टिक करना था। तो यहाँ पर आपको फिर से वही पॉपअप दोबारा आएगा। तो यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको दोबारा आया। अब यहाँ पर आपको यहाँ पे देखते हैं डू नॉट पे आ रहा होगा। तो यहाँ पर फिर से मैंने कैंसिल पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपको डू नॉट पे बॉक्स पर टिक कर देना और फिर आपको कैप्चर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन है वो पॉपअप नहीं आएगा दोबारा। अब आपको ग्राफिक इंस्टॉल पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखते मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब आपको इंस्टॉलेशन पर स्टार्ट कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो ग्राफिक इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऐसा ऊपर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे देखने को, तो आपको ये कट कर सकते हैं नॉर्मली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आपकी काली लिनक्स इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर इस आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा लैंग्वेज सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, कोई सी भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हो। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर इस अब आपको सेलेक्ट योर लोकेशन, तो यहाँ पर आपको अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसते हैं यहाँ पर आपको कीबोर्ड कौन सा सेलेक्ट करना है, तो आप क्या कीबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अमेरिकन सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपकी काली लिनक्स है वो इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो गई। अब आपको यहाँ पे मीडिया जो है आपने स्टोरेज दी है वो यहाँ पे आपको लोकेट करेगा, डिटेक्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने स्टोरेज प्रोवाइड किया उसमें यहाँ पे आपकी जो काली लिनक्स है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको होस्टिंग नेम पूछा, तो यहाँ पर आपको कुछ भी टाइप कर देना है। अब यहाँ पर आपको डोमेन नेम पूछेगा, तो यहाँ पर आपको जरूरी नहीं कुछ भी टाइप कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया। अब यहाँ पे इससे यहाँ पर आपको फुल नेम टाइप कर देना है, ये आपको मेन है, इसके बिना आप यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो मैंने काली सेलेक्ट कर लिया और फिर से यहाँ पर आपका एंटर पूछेगा यूज़र नेम। अब यहाँ पर मैंने काली सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर देना है, तो यहाँ पर आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। मैक्सिमम 6 डिजिट जरूर होने चाहिए, 6 डिजिट से ऊपर होने पासवर्ड होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पर सेव होगा। तो यहाँ पे देखते हैं जो आपने यूज़र नेम डाला था वही यूज़र नेम और इस पासवर्ड से आप काली लिनक्स एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर आपको मैनुअल पे क्लिक कर देना है। मैनुअल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एस सी वाले पे क्लिक कर देना, हार्ड डिस्क पे, यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब आपको यहाँ पे जस्ट पे सेलेक्ट कर देना है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको फ्री स्पेस वाले पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। मतलब जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट अ न्यू पार्टीशन पे क्लिक करना है और आपको फिर से यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना और आपको प्राइमरी सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जैसा डिफॉल्ट सेटिंग है वैसे रहने देना और आपको यहाँ पर डन सेटिंग
आप द पार्टीशन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे इस यहाँ पे आपको सिंपली ऊपर आना, गाइडेंस पे क्लिक करना और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। गाइडेंस सेलेक्ट कर लेना, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। फिर से यहाँ पे आपको पहले वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जिसते हैं गाइडेंस पहले क्लिक कर देना, अब आपको फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, अब आपको फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे इस यहाँ से एंटर फेस आएगा, आपको यहाँ पे लास्ट वाला सेलेक्ट कर लेना, फिनिश और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको ऐसा एंटर फेस आएगा, आपको यहाँ पे यस पे सेलेक्ट कर लेना है। यस पे सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जिसते हैं, अब यहाँ पे आपका जो जो सॉफ्टवेयर होता है या टूल्स होता है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पर मैं वेट कर लेता हूँ, इसमें टाइम लग सकता है थोड़ा सा, तो मैं वीडियो को फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इंस्टॉल करते समय आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको जोन जोन से टूल चाहिए तो यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। आपको सारे टूल चाहिए तो यहाँ पर आपको सारे पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी टूल चाहिए टिक करने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं अपना टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो जो टूल मुझे चाहिए काली लिनक्स में, तो यहाँ पर मैं सारे सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि बाद में जो प्रॉब्लम होगी या बाद में मुझे कोई इंस्टॉल करना होगा तो अनइंस्टॉल कर लूँगा। तो अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ पर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पर आपका ये फाइनल इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन पूछेगा बूट लोडर का, तो यहाँ पर आपको यस पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं बूट लोडर का जो ऑप्शन है ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब इसी के कारण आपका काली नेक्स स्टार्ट होगा, तो आपको यहाँ पे यस पे सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, अब यहाँ पर आपको सिंपली सेकंड वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका जो पूरा इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर आपका ये जैसे ही कंप्लीट होगा आपका यहाँ पे काली नेक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको वीडियो फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ काली नेक्स को सीधा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही यहाँ पर आपका ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो जाता है तो यहाँ पर आपको एक मैसेज शो करेगा। तो यहाँ पे इससे ऐसा मैसेज शो करेगा, फिनिश द इंस्टॉलेशन, अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो खाली ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका वर्चुअल बॉक्स में स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस कम्प्लीट होने के बाद यहाँ पे इससे जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर आपको वर्चुअल बॉक्स में काली लिनक्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इससे मेरा काली लिनक्स सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो यहाँ पर आपको मैं पूरा सक्सेसफुली ओपन करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे ये जो काली लिनक्स है वो फुल स्क्रीन पर नहीं आ रहा, वो हाफ स्क्रीन में आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा जब आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर इससे मैंने आपको पहले बताया था यूज़र नेम और पासवर्ड आपको याद रखना। अब यहाँ पर जो भी मैं यूज़र नेम पासवर्ड डाल रहा हूँ, अब आपको अपने हिसाब से अपना जो आपने टाइप किया था वही हिसाब में आपको यहाँ पर एंटर कर देना। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपका जो है सिस्टम ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रॉब्लम आपकी जो छोटी स्क्रीन की आ रही है, जैसे ही आप लैपटॉप को रिस्टार्ट करेंगे ये सक्सेसफुली सही हो जाएगा। अब यहाँ पे इस तरह आप आराम से काली लिनक्स को चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन।